बहुत फटा जोक था बट ध्यान पे ध्यान देते हैं ऑफ मिसेज रानी शोड ओवर ड्राफ्ट ऑफ रूपीज थ्री थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव सेवेंटी फाइव देखो बेटा बैंक पासबुक मतलब ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक और हम सबको पता है अगर ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव बैलेंस है सो लेट्स स्टार्ट ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव सेवेंटी फाइव ओवर ड्राफ्ट एस पर पासबुक थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव सेवेंटी फाइव अब क्योंकि पासबुक से आप बी आर एस को स्टार्ट कर रहे हो और आप कैश बुक पे एंड करोगे तो अब याद रखना हमारा थॉट प्रोसेस हमारा थॉट प्रोसेस जो रहेगा हमारा जो थॉट प्रोसेस रहेगा वो रहेगा एज पर कैश बुक कैश बुक के हिसाब से प्लस कैश बुक के हिसाब से माइनस कैश बुक के हिसाब से प्लस कैश बुक के हिसाब से माइनस फिर हमने सोचा है बट हमको रियलिटी पता है कि स्टार्ट हो रहा है एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट इज एस पर पासबुक बट मैं सोच कैसे रहा हूं एज पर कैश बुक तो यहां पे प्लस यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पे माइनस यहां पे प्लस कैशबुक में प्लस पासबुक में माइनस कैशबुक में माइनस पासबुक में प्लस ओवर ड्राफ्ट हैज नथिंग टू डू ओवर ड्राफ्ट का एक इफेक्ट है कि मेरे को माइनस साइड लिखता है तो मैंने माइनस साइड लिख दिया दैट्स इट चालू करते हैं अ चेक ऑफ वन थाउजेंड एट्टी क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन ट्वेंटी एथ मार्च पासबुक में ट्वेंटी मार्च को एक क्रेडिट हुआ है बींग लेकिन कौन सी तारीख को फर्स्ट अप्रैल मेरा बी आर एस का डेट क्या है इकतीस मार्च क्या इकतीस मार्च या उसके पहले डेबिट हुआ क्या नहीं सर उसके पहले डेबिट नहीं हुआ देर वॉज नो एंट्री इन बुक अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक अंटिल फिफ्टींथ एप्रिल टू थाउजेंड एटीन चलो एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं इसका अज्यूम चेक डिपॉजिटेड ऑन ट्वेंटी एथ मार्च चेक कब हमने डिपॉजिट किया ट्वेंटी एथ मार्च और मेरी आदत है जब भी मैं चेक डिपॉजिट करता हूं तो मैं कैशबुक में मान लेता हूं पैसा आ गया मैं कैश बुक में मान लेता हूं चेक डिपॉजिट कर रहा हूं पैसा आ गया और लकीली पासबुक में भी उसी दिन के एंड में क्रेडिट हो चुका था एक हजार अस्सी क्रेडिट मतलब प्लस पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस होता है क्लियर है यहां तक सबको एक्सपेक्टेड अब सर यह चेक डिसऑनर हुआ ओके okay, कोई दिक्कत नहीं है बट बैंक ने इस डिसऑनर का इफेक्ट कब लिया बैंक ने इसका इफेक्ट कब लिया बैंक ने इसका इफेक्ट लिया है फर्स्ट अप्रैल 2018 थाउजेंड है कि ट्वेंटी है फर्स्ट अप्रैल 2018 को इफेक्ट लिया और मैंने कैशबुक में इसका इफेक्ट कब लिया कैशबुक में इसका इफेक्ट लिया था हमने फिफ्टीन अप्रैल 2018 अब याद रखो मुन्ना मेरा बी आर एस का डेट क्या है मेरा बी आर एस का डेट है 31 मार्च 2018 अब 31 मार्च 2018 को क्या ये डिसऑनर के बारे में हमें कुछ भी पता चला क्या नहीं तो ये इग्नोर हो जाएगा पूरा का पूरा ओके क्योंकि मेरे को पता कब चला मेरे को पता चला पंद्रह अप्रैल बैंक को कब पता चला एक अप्रैल तो बैंक ने कब इफेक्ट दिया एक अप्रैल को तो क्या बोल सकता हूं इकतीस मार्च है उसके पहले मैंने माना था मेरा बैलेंस बढ़ गया और 31 मार्च या उसके पहले बैलेंस बढ़ चुका था वो तो बैंक ने बाद में कम किया बट 31 मार्च उसके पहले बढ़ चुका था बिल्कुल सर तो अब इसका आएगा नो इफेक्ट बिकॉज 31 मार्च या उसके पहले ऑनर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ऊपर से पासबुक में भी क्रेडिट हो चुका है मतलब मैंने माना कैशबुक में बैलेंस बढ़ गया और रियलिटी में पासबुक में भी बढ़ गया ये दोनों मैच हो गए कोई भी डिफरेंस नहीं है बात खत्म लेट्स मूव फर्दर बैंकर हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट विथ ट्वेंटी बैंकर ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने क्रेडिट किया बैंक का क्रेडिट मतलब मेरे इसमें पैसा आ चुका है बैंक का क्रेडिट मतलब मेरा बैलेंस बढ़ चुका है अट्ठावी सौ रुपए से फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन देर बिहाफ बट द सेम वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक अब देखो बेटा मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है बट मैंने क्या उसकी अकाउंटिंग की है क्या नहीं सर तो सही कौन हमेशा बैंक आपको भी क्या करना पड़ेगा प्लस तो एज पर कैश बुक हम सोच रहे हैं ये क्या हो जाएगा प्लस अट्ठावीस सौ रुपए क्या हो जाएंगे प्लस आउट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड पेड इन वॉट यू मीन बाय पेड इन पेड का मतलब होता है डिपॉजिटेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश एंड बाय चेक ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन चेक अमाउंटिंग टू सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वार कलेक्टेड ऑन सेवेंथ अप्रैल 2018। देखो क्या हुआ मैंने चेक एंड कैश मिला के बैंक में डिपॉजिट किया कितना डिपॉजिट किया बीस हजार मैंने माना मेरा कैशबुक का बैलेंस बीस हजार सौ से बढ़ जाएगा बट तुमको पता है रियलिटी में क्या हुआ इसमें से साढ़े सात हजार रुपए का एक चेक है जो कि मेरे अकाउंट में आया सात अप्रैल को तो मेरे बात बताओ बीच में इकतीस मार्च है मैंने माना मेरा बैलेंस बीस पांच सौ से बढ़ गया बट बीस पांच सौ में से साढ़े सात हजार तो आए नहीं इकतीस मार्च को मतलब रियलिटी में पासबुक में, में बैलेंस कितना बढ़ा तेरह हजार रुपए से मैंने माना बीस सौ से बढ़ गया मैंने माना बीस सौ से बढ़ गया बट रियलिटी में कितने से बढ़ा तेरह हजार से बढ़ा सही कौन हमेशा बैंक तो साढ़े सात हजार मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस साढ़े सात हजार मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस डन आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड मतलब इशूड इशूड ऑन ट्वेंटी सेवेंथ मार्च मैंने चेक इशू किया मैं मान रहा हूं जैसे मैं चेक इश्यू करूंगा मेरे अकाउंट से बैलेंस कम हो जाएगा तो मैं मान लिया हूं सात हजार आठ सौ मेरे अकाउंट से कम हो जाएगा अ चेक ऑफ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वॉज एन कैश मतलब प्रेजेंटेड ऑन थर्ड अप्रैल टू थाउजेंड एटीन अरे बाबा ढाई हजार रुपए प्रेजेंट कब हुआ थर्ड अप्रैल को तो कहना है से एज ऑन इकतीस मार्च टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वॉज अनप्रेजेंटेड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वॉज अनप्रेजेंटेड तो सौ बात की एक बात चेक ई शूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इज नोन एज अनप्रेजेंटेड क्या करते हैं हम प्लस ओके सर डन अब बैंकर मतलब बैंक बैंक सीम्स टू हैव गिवेन हर रॉन्ग क्रेडिट अरे बधाई हो बैंक ने आपको गलती से क्रेडिट कर दिया बैंक का क्रेडिट मतलब मेरे पास पैसा आ गया बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया कितने से बढ़ाया आप पांच सौ रुपए से कुछ भी बढ़ाया हमको क्या करना बढ़ा है ना तो बैंक में प्लस हो गया गलती से सही कौन हमेशा बैंक तो मुझे भी पांच सौ क्या करने पड़ेंगे प्लस तो प्लस फाइव हंड्रेड और एंड अ रॉन्ग डेबिट अरे बाबा 500 से बढ़ाया बट गलती से मेरे को डेबिट भी कर दिया बैंक का डेबिट मतलब माइनस होता है सुनो बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस बैंक का डेबिट मतलब माइनस इन्होंने मेरे को गलती से तीन सौ रुपए से माइनस कर दिया है कोई बात नहीं गलती से बढ़ा दिया था तो मैंने बोला बहुत बढ़िया मैं भी बढ़ गया गलती से बैंक ने कम कर दिया तो मेरे को भी नीचे आना पड़ेगा तो 500 प्लस हो जाएंगे 300 माइनस हो जाएंगे बैंक की गलती से ही कुछ तो फायदा हुआ मेरा अ चेक ऑफ 1000 थाउजेंड इन कैश बुक मतलब आपने कैश बुक में प्लस कर दिया था बट ओमिटेड टू बी बैंक ओ रे आपने चेक आपको चेक मिल गया आपने बोला चेक मिल गया एक हजार रुपए का भले भले एक हजार रुपए का चेक मिला जैसे ही आपको एक हजार का चेक मिला आपने क्या किया उस चेक का आपने बोलिया ओरे बाबा मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस आ गया अरे घदे आएगा कैसे डिपॉजिट तो करके आना पड़ेगा ना मैं भूल गया बैंक करना मतलब डिपॉजिट करना अरे भाई साहब तुम बोल रहे हो हमारे अकाउंट में बैलेंस आ गया बैलेंस कब आएगा जब तुम चेक डिपॉजिट करोगे तुमने चेक ही डिपॉजिट नहीं किया सही कौन हमेशा बैंक नीचे आ जाओ एक हजार रुपए तो एक हजार रुपए माइनस ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा माइनस ठीक है सर डन नेक्स्ट बिल रिसीवेबल ऑफ फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड प्रीवियसली डिस्काउंटेड और ये डिस्काउंट जो दो सौ रुपए ये इरेवेंट डेटा है यह आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है आपने पांच हजार दो सौ का बिल डिस्काउंट करवाया और वो बाद में डिसऑनर हो गया बैंक ने आपको डिसऑनर का मैसेज एक अप्रैल को भेजा बट वो डिसऑनर हो गया है उन्होंने आपको सिर्फ बताया एक अप्रैल को भाई साहब सुनो जैसे ही आपने जो बिल डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर हो जाता है बैंक का मैनेजर आता है वो आपके अकाउंट में से पांच हजार दो सो कम कर देता है आपको बाद में बताया तो बैंक ने, ने वो कम कर दिया तो सही कौन हमेशा बैंक मुझे भी क्या आना पड़ेगा नीचे आना पड़ेगा माइनस अ बिल ऑफ टेन थाउजेंड वॉज रिटायर्ड ऑब्लिक पेड द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ वन सेवेंटी फाइव बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड अब ये सुनो आपने अर्ली पेमेंट किया आपने अर्ली पेमेंट किया है एक बिल का बिल ऑफ एक्सचेंज का तो जब भी आप अर्ली पेमेंट करते हो बिल ऑफ एक्सचेंज का तो वो डिस्काउंट को क्या बोला जाता है रिबेट डिस्काउंट को क्या बोला जाता है रिबेट तो आपको रिबेट मिला तो सर बिल कितने का था दस हजार रुपए का बिल था आपको रिबेट कितने का मिला 175 का तो आपने नेट कितना पे किया नेट पेड 10,000 माइनस वन सेवेंटी आपने नेट पे किया बट आपका जो मासूम अकाउंटेंट है उसको कुछ पता ही नहीं उसको लगा ये 10,000 का बिल है और हमारे सेठ के बैंक अकाउंट से भी दस हजार रुपए कम हो गए तो भाई साहब मेरे अकाउंटेंट ने गलती किया मेरे अकाउंटेंट ने ज्यादा माइनस कर दिया बैंक ने नाइन एट टू फाइव कम किया बट मेरे अकाउंटेंट ने दस हजार कम कर दिया सही कौन हमेशा बैंक ऊपर आना पड़ेगा कितना ऊपर आना पड़ेगा वन फाइव क्या करने पड़ेंगे प्लस तो यहां पे प्लस हो जाएगा वन सेवेंटी फाइव ओके अ चेक ऑफ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इन बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक आपने डिपॉजिट कर दिया बट आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया ओके, okay, यहां तक तो सही है एंड वॉज कलेक्टेड बाई दैंक एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च देखो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और थर्टी फर्स्ट मार्च के पहले मेरे पासबुक मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ भी गया बट मैंने कैश बुक में अभी तक उसे रिकॉर्ड नहीं किया है तो भाई साहब आपके बैंक में बैलेंस आ गया सही कौन हमेशा बैंक तो आपको भी क्या करना पड़ेगा प्लस अब ध्यान दो मैंने जो भी सोचा एस पर कैश बुक सोचा है अब क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक है जस्ट कॉन्सेंट्रेट ये प्लस है 2800 प्लस है तो यहां पे आपको कहां पे दिखेगा माइनस साइड ढाई हजार प्लस था तो आपको कहा दिखेगा माइनस साइड बैंक ने आपको गलती से बढ़ा दिया था 500 प्लस एज पर कैश बुक पासबुक के हिसाब से माइनस 175 सेवेंटी फाइव अकाउंटेंट प्लस करना था एज पर कैश बुक बट क्योंकि आप पासबुक पासबुक में हो 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 स्टार्टिंग पॉइंट है तो माइनस और 2400 चेक डिपॉजिट गया गया था था कलेक्ट भी बट मैंने एंट्री नहीं लिया था तो प्लस करना था बट क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो माइनस कर दिया हमने तो मैंने सोचा था कैश बुक के हिसाब से सिर्फ साइन चेंज कर दिया प्लस बिकम माइनस और जो माइनस थे वो क्या बन गया आपके लिए प्लस अब ध्यान देना आपका क्योंकि माइनस साइट का टोटल ज्यादा है माइनस साइट का टोटल है फोर्टी वन थाउजेंड नाइन फिफ्टी प्लस साइट का टोटल आपका कम है तो जब भी माइनस साइट ज्यादा रहता है दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट, तो अब पासबुक स्टार्टिंग था कैशबुक एंडिंग हो गया ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट एज पर कैशबुक ट्वेंटी सेवन थाउजेंड नाइन फिफ्टी लेट मूव फॉर्दर टू आपका नवंबर दो हजार अठारह का दस मार्क का क्वेश्चन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक सर डेबिट बैलेंस कैश बुक का है मतलब पॉजिटिव रहता है डेबिट बैलेंस इन पासबुक मतलब नेगेटिव बैंक का डेबिट मतलब नेगेटिव रहता है देखो कैश बुक में डेबिट मतलब पॉजिटिव क्रेडिट मतलब नेगेटिव आल्सो नोन एज ओवरड्राफ्ट और बैंक के हिसाब से दैट इज पासबुक के हिसाब से इसका उल्टा रहता है डेबिट मतलब नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट मतलब पॉजिटिव ओके सर तो बैलेंस एज पर कैश बुक अठारह लाख साठ हजार बैलेंस एज पर कैश बुक अठारह लाख साठ हजार चेक इश्यू टू द क्रेडिटर्स आपने चेक इश्यू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड आपने माना बैलेंस कम हो गया क्या रियलिटी में कम हो गया नहीं सही हमेशा बैंक तो प्लस तीन लाख साठ हजार प्लस हो जाएगा एज पर कैश बुक डिविडेंड रिस डिविडेंड मिला है तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया है क्या मैंने कैश बुक में बढ़ाया क्या नहीं चलो सही कौन हमेशा बैंक तो भी प्लस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दे दिया मैंने उसकी अकाउंटिंग नहीं किया बैंक बढ़ गया क्या मुझे पता चला क्या नहीं सही कौन हमेशा बैंक प्लस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन आपने डिपॉजिट किया आपने माना आपका बैलेंस सात लाख सत्तर हजार से बढ़ जाएगा बट अभी तक बी आर एस के डेट आते आते that is 31 मार्च आते आते ये चेक कलेक्ट ही नहीं हुए मतलब रियलिटी में बैलेंस बढ़ा क्या नहीं सही कौन हमेशा बैंक तो आपको भी क्या करना पड़ेगा नीचे आना पड़ेगा माइनस बैंक चार्जेस ऑब्वियसली कोई सोचने की बात तो है नहीं माइनस उसके बाद अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक मैंने माना बैलेंस बढ़ गया और वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने मेरे को बताया नहीं मैंने माना मेरा बैलेंस बढ़ गया ठीक है वो चेक डिसऑनर हो गया मतलब रियलिटी में क्या बैलेंस बढ़ा क्या नहीं बैंक ने मेरे को बताया क्या नहीं तो बैंक यहां पर है सही कौन हमेशा बैंक भले उसने मेरे को एसएमएस नहीं भेजा बट गलती मेरी छे ओके बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आर बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया हमारे बी एफ में तो बैंक ने मेरे अकाउंट से एक लाख पचहत्तर हजार रुपए पे कर दिए क्लियर अब मेरे को बताया ही नहीं सर ऐसे ही पे कर सकता क्या अरे नहीं रे बाबा देर इज समथिंग कॉल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन तुमने कुछ साल पहले बैंक को बोला होगा हर साल एक लाख पचहत्तर हजार रुपए तुम पे करते जाना बैंक वही फॉलो कर रहा है बैंक बार बार तुमसे नहीं पूछेगा तुम एक बार उसको बोल के आना कि मेरा अकाउंट से माइनस कर देना तो बैंक ने माइनस कर दिया बट तुमको एस एम एस नहीं भेजा सही कौन हमेशा बैंक आपको भी क्या आना पड़ेगा नीचे आना पड़ेगा ठीक है तो अब देखो ये एज पर कैश बुक हमने सोचा एज पर कैश बुक हमने सोचा था यस एज पर कैश बुक हमने सोचा था बिल्कुल सर अब ध्यान देंगे आप यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट में कैश बुक है मैंने सोचा भी एज पर कैश बुक ही था तीन साठ ढाई और छ पचास छह हजार दो तीनों प्लस और तीनों माइनस अब यहां पे ध्यान दो क्योंकि आपका प्लस साइड ज्यादा है तो क्या यहां पे ओवरड्राफ्ट आएगा क्या नहीं याद रखना जब भी आपका माइनस साइड ज्यादा हो जाएगा तो ओवर आएगा अदरवाइज नहीं आएगा दैट्स इट वी आर डन नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है ना चल प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मेस आर के ब्रदर्स 30 जून 2018 अच्छा मैं आपके सामने एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं क्या मैं बोल सकता हूं ये ईयर एंड था 31 मार्च 2018 हजार अठारह हां जी सर इसका पहला वाला क्वेश्चन आते क्या मैं बोल सकता हूं ये भी ईयर एंड था थियोरी में गिवन है जब भी आप ईयर एंड पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको एडजस्टेड बुक बनाना चाहिए बट रियलिटी में आईसीआई बनाता है क्या नहीं ठीक है आईसीआई एडजस्टेड कैश बुक पे नहीं बनाता एडजस्टेड कैश बुक कब बनाता है वेन क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तो हम बनाएंगे अदरवाइज नहीं बनाएंगे मैंने दो दो आंसर आपके सॉल्व किया है सामने मूव लेर और हमने एम टीपी आर टी में भी डिस्कस किया था सेम चीज को तो अभी आप 30 जून को बना रहे हो बैंक स्टेटमेंट बैंक पासबुक मतलब बैलेंस एज पर पासबुक अरे बाबा बैलेंस एज पर पासबुक मतलब डेबिट सर पासबुक में डेबिट मतलब होता है नेगेटिव नेगेटिव मंजे ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 25,000 ओवरड्राफ्ट होता है नेगेटिव तो 25,000 आपके नेगेटिव साइड दिखेंगे दैट इज माइनस ओके okay, सर अब मैं सोचूंगा एज पर कैशबुक ही और कैश बुक के हिसाब से प्लस कैशबुक के हिसाब से माइनस फिर वहां पे हम साइन उल्टा कर देंगे सिर्फ अ चेक वर्थ फोर हंड्रेड डिपॉजिटेड अरे भाई कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया मुझे पता नहीं चला सही कौन हमेशा बैंक मैं भी प्लस कर दूंगा आउट ऑफ चेक इशूड वर्थ थर्टी फोर थाउजेंड चेक अमाउंटिंग टू ट्वेंटी थाउजेंड ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और भाई साहब आपने चेक इश्यू कितने किया चौतीस हजार आपने चौतीस हजार रुपए के आपने चेक इशू किए बट बीस हजार ही प्रेजेंट हुए तो कहना है से चौदाह हजार अनप्रेजेंटेड है और मुझे किसका डेटा लगता है अनप्रेजेंटेड का मैंने माना था मेरा बैलेंस चौतीस हजार से कम हो जाएगा बट रियलिटी में कितने से कम हुआ बीस हजार से सही कौन हमेशा बैंक तो फोर्टीन थाउजेंड प्लस नेक्स्ट अ चेक ऑफ फोर थाउजेंड रिसीव एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक देख रहे हो ये रिपीट हुआ है एक क्वेश्चन पहले भी ये सेम टाइप का एडजस्टमेंट था आपको चेक मिल गया आपने माना बैलेंस बढ़ गया अरे नशेड़ी इसको डिपॉजिट तो करना पड़ेगा तू डिपॉजिट ही नहीं करा चेक क्या घर बैठे अंडे देके पैसा आ जाएगा क्या नहीं सर तो आपने माना बैलेंस बढ़ गया बट रियलिटी में आपने डिपॉजिट किया क्या नहीं सही कौन हमेशा बैंक नीचे आ जाओ माइनस चेक वॉ ट्वेंटी थाउजेंड सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन मैंने जैसे ही बैंक के पास भेजा ये चेक के लिए मेरे को पैसा लाके दो मैंने माना मेरा बैलेंस बढ़ गया मैंने माना मेरा बैलेंस बीस हजार से बढ़ गया बट चेक्स कलेक्टेड बिफोर थर्टी जून फोर्टीन थाउजेंड रियालिटी में पासबुक ट्वेंटी थाउजेंड के जगह कितने बढ़ा फोर्टीन थाउजेंड से प्लस हुआ कैशबुक के हिसाब से आपने कितना माना कि बीस हजार से बढ़ गया बट जिस दिन मैं बी बना रहा था तीस जून तक तीस जून तक बैलेंस कितने से बढ़ा चौदह हजार से बाकी का छ हजार बाद में पैसा आया तो मैंने माना मेरा बैलेंस बीस हजार से बढ़ गया बट रियलिटी में तीस जून को कितना बढ़ा चौदह हजार सही बैंक तो क्या करना पड़ेगा छ हजार माइनस इन दोनों का टोटल होता है छ हजार और छह हजार क्या करना पड़ेगा माइनस क्योंकि मैंने मान लिया था बीस हजार से बढ़ गया रियलिटी में चौदह से हजार से बढ़ा था आपने ज्यादा बढ़ा दिया कम कर दो छह हजार से चलो बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक मेरे अकाउंट से छह सौ रुपए कट गए डायरेक्ट पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो मेरे अकाउंट से सोलह सौ रुपए कट गए बट मुझे पता नहीं चला सही कौन हमेशा बैंक तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा नीचे जाना पड़ेगा बैंक चार्जेस एट्टी एवरी वन बैंक चार्जेस एट्टी कैश कैशबुक में बैंक चार्जेस माइनस होते हैं तो आपने दो बार माइनस कर दिए ट्वाइस मतलब आपने देखो बैंक में से 80 कम हुए आपने 80 और 80 आई रिपीट बैंक में से 80 कम हुए आपने 80 और 80 दो बार कम कर दिया सही कौन हमेशा बैंक तो आपको ऊपर आना पड़ेगा तो 80 हो जाएगा प्लस ओके और बैंक ने इंश्योरेंस चार्जेस पे किया आपके अकाउंट से जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं किए तो ये हो जाएगा माइनस तो अस्सी रुपए प्लस हो जाएंगे सत्तर रुपए माइनस हो जाएंगे द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम सॉरी ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक अब समझो कैश बुक का क्रेडिट मतलब नेगेटिव होता है नेगेटिव आपका कम है अंडर कास्ट है मतलब कम है सर मेरा पेमेंट साइड कम है तो पेमेंट साइड को बढ़ाऊंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली बैलेंस कम हो जाएगा तो 2000 क्या हो जाएंगे माइनस अब ध्यान दो क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक था यहां पे 2000 माइनस है एज पर बुक लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक था तो प्लस हो गया इंश्योरेंस माइनस था बट प्लस हो गया इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस था लेकिन प्लस हो गया डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक माइनस था लेकिन क्योंकि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है प्लस चेक डिपॉजिटेड 6000 माइनस था क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो प्लस चेक रिसीव बट चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड चार माइनस थे क्या माइनस कैशबुक के हिसाब से था हां सर तो पासबुक में क्या हो जाएगा प्लस सॉर्टेड बात है यहां पे चार हजार दिखा देता हूं बेटा कहा गया आपका चार हजार चार हजार कहा गया अरे मुन्ना ये देखो चार सौ है सो सॉरी एवरी वन जस्ट वेट ऑन चार हजार कहां पर नहीं वो चार सौ है चार सौ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था 414, चार सौ चौदह चार हजार कहां से आ रहा है कोई एंट्री स्किप हो गई क्या इसके अंदर चार हजार दो हजार गए। हजार हो गए चेक ऑफ फोर थाउजेंड रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट मैंने माना मेरा बैलेंस बढ़ गया बट रियलिटी में बढ़ा क्या नहीं तो माइनस माइनस एज पर कैश बुक पासबुक के हिसाब से प्लस तो इसलिए वहां पे चार हजार प्लस हो गया देख लो बेटा आपके सामने प्रूफ है अब एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट मेरा नेगेटिव साइड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो गया स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक था तो एंड कैशबुक पर ही होगा लेकिन नेगेटिव साइड ज्यादा था इसलिए यहां पे क्या आ गया ओवरड्राफ्ट आ गया चलिए डन है यहां पे अब एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट यहां पे आपका बीआरएस का डेट क्या है BRS का डेट क्या है तीस सेप्टेंबर दो हजार अठारह का डेट क्या है तीस सेप्टेंबर दो हजार अठारह बट इस बार उसने आपको क्या बोला शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक मतलब वो आपसे क्वेश्चन चाहता है एडजस्टेड कैश बुक बनाओ जब क्वेश्चन आपको बोले एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तभी बनाने का तो अब सर जब भी आप एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो तो मैं तो सिंपल रखता हूं बी आर एस में तीन चीजें जाएगी उसके अलावा बाकी हर चीज कहां जाएंगे एडजस्टेड कैशबुक में चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड चेक डिपॉजिट बट नॉट एट क्लियर ऑब्लिक करेक्टेड ऑब्लिक क्रेडिटेड और एर बाय बैंक ये तीन चीजें ही बी आर एस में जाती है उसके अलावा बाकी हर चीज कहां चले जाएगी एडजस्टेड कैशबुक के अंदर सर हम जब एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे हम अपना प्रोसेस चेंज करेंगे क्या नहीं बेटा हम अभी भी एज पर कैशबुक ही सोचेंगे और मैं आपको एक ईजी तरीके से एडजस्टेड कैश बुक बनाना सिखा दूंगा वंस अगेन अच्छे अच्छा सबसे पहले यहां पे ध्यान रखना तीस सितंबर दो हजार आपका बी का डेट है अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरड्राफ्ट था टू द एक्सटेंट ऑफ एट सिक्स टू अब ध्यान दो ओवरड्राफ्ट मतलब होता है नेगेटिव नेगेटिव एज पर कैश बुक मतलब होता है क्रेडिट तो आप 8062 ऑन द क्रेडिट साइड नेगेटिव मतलब क्या होता है क्रेडिट सबको समझा एवरी मैंने आपको सिखाया था कैशबुक में डेबिट मतलब पॉजिटिव और क्रेडिट मतलब नेगेटिव और नेगेटिव इज आल्सो नोन एज ओवरड्राफ्ट तो अब क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कैश बुक के हिसाब से प्लस मतलब डेबिट और कैश बुक के हिसाब से माइनस मतलब क्रेडिट वन एंड द सेम थिंग कैश बुक के हिसाब से डेबिट इक्वल्स टू प्लस कैश बुक में प्लस इक्वल्स टू डेबिट ठीक है सर समझ जाएंगे हम अ चेक ऑफ इलेवन लाख फोर्टीन थाउजेंड डिपॉजिटेड ऑन ट्वेंटी नाइन सेप्टेंबर वॉज क्रेडिटेड ऑन थर्ड अक्टूबर क्या ये क्रेडिट बी आर एस या उसके पहले हुआ क्या नहीं सर मैंने माना मेरा बैलेंस ग्यारह लाख चौदह हजार से बढ़ जाएगा क्या रियलिटी में बढ़ा क्या नहीं सही कौन हमेशा बैंक मुझे भी नीचे आना पड़ेगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर एज पर कैश बुक हम सोचेंगे एज पर कैश बुक ये क्या हो जाएगा माइनस एज पर कैश बुक ये क्या हो जाएगा माइनस देखो मैं अभी हिला नहीं अभी मैं बोल रहा हूं एज पर कैश बुक ही सोचेंगे डन अब पेमेंट बाय चेक ऑफ रुपीज एटीन थाउजेंड बीन एंटर आपने पेमेंट किया आपके पासबुक में से अठारह हजार माइनस बुक से भी अठारह किया बट आपने अठारह दो बार माइनस कर दिया तो मैं बात बताओ सही कौन हमेशा वापस बोल रहा हूं अठारह हजार का पेमेंट हुआ तो पासबुक से ही माइनस कैश बुक से ही माइनस लेकिन आपने कैश बुक में दो बार माइनस कर दिए सही कौन हमेशा बैंक ऊपर आना पड़ेगा साइस पर कैश बुक में प्लस हो जाएगा ये ऑन ट्वेंटी नाइन सेप्टेंबर टू थाउजेंड एटीन बैंक ने मेरे को क्रेडिट किया मतलब प्लस एन अमाउंट ऑफ वन लैक फिफ्टीन थाउजेंड रिसीव फ्रॉम दस्टमर ऑफ जेड बट द एडवाइस वॉज सेंट टू एक्स वाई जेड अंटिल फर्स्ट अक्टूबर मेरे अकाउंट में एक लाख पंद्रह हजार चार सौ रुपए आ गए बैंक ने मेरे को बताया ही नहीं सही कौन हमेशा बैंक मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस बैंक चार्जेस माइनस होते हैं सिक्स सेप्टेंबर टू थाउजेंड एटीन बैंक क्रेडिटेड थर्टी थाउजेंड टू एक्सवाई जेड इन एयर अरे बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस होता है भाई साहब बैंक ने मेरे गलती से प्लस कर दिया डन तो मैं भी क्या कर दूंगा प्लस एज पर कैश बुक अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन लाख सिक्सटी थाउजेंड वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्सवाईजेड विथ हिस्स बैंक द बिल वॉज डिसऑनर्ड आपको दिख रहा है ये सेकेंड टाइम रिपीट हुआ एडजस्टमेंट मैंने बिल डिस्काउंट करवा लिया और वो बिल जो मैंने डिस्काउंट करा था डिसऑनर हो गया तो बैंक का मैनेजर आया उसने मेरे अकाउंट में से एक लाख साठ हजार था रुपए काट लिए मेरे को बताया नहीं तो एक लाख साठ हजार रुपए काट लिए सही कौन हमेशा बैंक मुझे भी क्या करना पड़ेगा नीचे जाना पड़ेगा माइनस चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट व थर्टीन लैक फोर्टी सिक्स थाउजेंड चेक इशू किया बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मैंने माना मेरा पेमेंट कम हो जाएगा रियलिटी में कम हो गया नहीं सही कौन हमेशा बैंक प्लस बिल पेबल ऑफ टू लैख मतलब ने पे कर दिया तो बैंक ने मेरे अकाउंट से दो लाख रुपए पे कर दिए बट मेरे को बताया नहीं क्योंकि मैं उनको बोल के आया था पे कर देना उन्होंने पे कर दिया पे करने के बाद मेरे को बताया नहीं एंड अ बिल रिसीवेबल ऑफ सिक्स थाउजेंड डिस्काउंट करवा लिया था विद बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ वन थाउजेंड मतलब मैंने बैंक को सिक्सटी थाउजेंड का बिल दिया था एक हजार रुपए उन्होंने चार्जेस लिए थे मतलब नेट मेरे को फिफ्टी नाइन थाउजेंड रुपीज मिले ये फिफ्टी नाइन थाउजेंड जो मेरे को मिले यह मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया मतलब दो लाख जो माइनस हो गए वो भी रिकॉर्ड करना भूल गया फिफ्टी नाइन थाउजेंड जो प्लस वो भी रिकॉर्ड करना भूल गया अब सुनो आपको बनाना एडजस्टेड कैश बुक के साथ बी आर एस सबसे पहले तीन चीजें फाइंड करो कौन सी चीज कहां पे जाएगी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर ये बी आर एस के अंदर जाएगा ये एडजस्टेड बुक में जाएगा ये भी एडजस्टेड बुक में जाएगा एरर बाय बैंक ये बी आर एस में जाएगा सिर्फ तीन चीजें जाती है बी आर एस में चेक इश्यूड बट नॉट येट क्रेडिटेड ऑब्लिक कलेक्टेड एरर बाय बैंक सॉरी माई बैट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर ये जाता है बीआरएस के अंदर चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड और एरर बाय बैंक ये तीन चीजें बीआरएस के अंदर जाती है जो कि यहां पे आ गया बीआरएस तो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा एज पर कैश बुक है तो एज पर कैश बुक ग्यारह लाख चौदह हजार माइनस है ग्यारह लाख चौदह हजार माइनस साइड एज पर कैश बुक तेरह लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस और तीस हजार प्लस बाय बैंक ये दोनों प्लस अब सर हमें एडजस्टेड कैश बुक ही बनाने नहीं आती हम कैसा करेंगे अरे सिंपल है तुमने यहां पे प्लस लिखा ना कैशबुक का प्लस मतलब होता है डेबिट कैश बुक का माइनस मतलब होता है क्रेडिट कैश बुक का प्लस मतलब होता है डेबिट कैश बुक का माइनस मतलब होता है क्रेडिट समझे मुन्ना अब डेबिट मतलब अठारह हजार डेबिट देखो अठारह हजार डेबिट एक लाख पंद्रह हजार चार सौ डेबिट साइड एक लाख पंद्रह हजार चार सौ प्लस मतलब डेबिट एज पर कैश बुक माइनस मतलब क्रेडिट दो सौ अस्सी क्रेडिट और क्योंकि ओवरड्राफ्ट था ओवरड्राफ्ट मंजे ही होता है नेगेटिव और नेगेटिव मतलब होता है क्रेडिट पॉजिटिव मतलब होता है डेबिट तो ऑटोमेटिकली बन गया सर क्रेडिट मतलब नेगेटिव होता है अभी भी आपका नेगेटिव साइड ज्यादा है 368 342 तो जो बैलेंस है वो बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा और इसे हम क्या बोलेंगे फाइनली ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक एज पर कैश बुक ये फाइनल वाला फिगर है 175 942 डन अब वंस अगेन आपका इस बार पॉजिटिव साइड ज्यादा है इस बार आपका पॉजिटिव साइड ज्यादा है ये मिसप्रिंट है यहां पे मेरे एंड से आपका पॉजिटिव साइड है थर्टीन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड तो ऑटोमेटिकली जब आपका प्लस साइड ज्यादा रहता है तो ओवरड्राफ्ट आएगा क्या एंड में नहीं सर अगर नेगेटिव साइड ज्यादा रहता था तो मैं ओवरड्राफ्ट लिखता था बट यहां पे पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो मैं क्या लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक देखो स्टार्ट हुआ तो ओवर से लेकिन जरूरी नहीं है ओवर पे एंड होगा प्लस माइनस मेथड इतना अच्छा है आपको खुद से बताता है अगर माइनस साइड ज्यादा है कुछ भी कर लो ओवर से एंड होगा प्लस साइड ज्यादा है कुछ भी कर लो ओवर नहीं आएगा दैट्स इट ठीक है मुन्ना यह आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबली यस yes. ध्यान देंगे अच्छे से वापस से देखो यर एंड है बट क्या आपको यहां पे बोला कि एडजस्टेड कैशबुक बनाओ नहीं तो उन्होंने भी नहीं बनाया चलो कैशबुक में ओवर ड्राफ्ट है नाइनटी एट सेवन हंड्रेड तो ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब नेगेटिव नाइनटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड नेगेटिव नाइनटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो माइनस साइड लिख के आ जाएंगे नाइनटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड अब सर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है और हम सोचेंगे भी हम सोचेंगे भी एज पर कैश बुक ही ओके okay, सर कैश बुक के हिसाब से प्लस कैश बुक के हिसाब से माइनस सोचेंगे आउट ऑफ देक्स एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड इशूड आपने चेक कितने इशू किए आठ हजार नौ सौ के वन चेक ऑफ सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड वॉज प्रेजेंटेड ऑन फोर्थ अप्रिल एंड अदर न चेक फिफ्टीन हंड्रेड हैंडेड ओवर टू दस्टमर वॉज रिटर्न बाय हिम इन लू ऑफ अक फॉर द सेम अमाउंट सौ बात की एक बात मैंने चेक इश्यू किया मैंने माना मेरा बैलेंस कम हो जाएगा क्या हुआ रियालिटी में सात हजार चार सौ का पेमेंट प्रेजेंट तो हुआ है लेकिन चार अप्रैल को हुआ है इकतीस मार्च को हुआ है क्या नहीं तो इकतीस मार्च को सात हजार चार सौ कम हुए क्या नहीं पंद्रह सौ का चेक कस्टमर नया लेने आया है मैंने माना बैलेंस कम हो गया क्या रियलिटी में कम हुआ क्या नहीं सही कौन हमेशा बैंक तो मुझे प्लस करना पड़ेगा आठ हजार नौ सौ प्लस डन आउट ऑफ टोटल कैश एंड चेक सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड डिपॉजिट इंटू बैंक ऑन ट्वेंटी फोर्थ मार्च वन चेक ऑफ ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड वॉज क्लियर्ड क्लियर्ड मतलब कलेक्टेड ऑन थर्ड एप्रिल एंड अदर चेक ऑफ फाइव हंड्रेड वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड ऑन फोर्थ अप्रिल अब बात समझो हो क्या रहा यहां पर मुन्ना सब ध्यान से सुनो मैंने चेक डिपॉजिट किया मैंने माना मेरा बैलेंस बढ़ गया एज पर कैशबुक छह हजार आठ सौ रुपए का बट रियलिटी में क्या हुआ आपका बैलेंस बढ़ा तो है लेकिन छह हजार आठ सौ से नहीं बढ़ा है क्योंकि छब्बीस सौ का चेक तो क्लियर बाद में हुआ और पांच सौ रुपए डिसऑनर हुए बाद का बाद छ हजार आठ सौ मतलब क्लियरेंस पासबुक कितने से प्लस हुआ तीन हजार सात सौ से तो सर ऑटोमेटिकली इन दोनों का डिफरेंस छह हजार आठ सौ माइनस तीन हजार सात सौ इकतीस सौ क्या करना पड़ेगा आपको माइनस इकतीस सौ का आ गया आपका हम्म इकतीस सौ माइनस अलग अलग नाम से लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड इकतीस सौ ओके सर बैंक चार्जेस थर्टी फाइव क्या हो जाएंगे माइनस एंड बैंक इंटरेस्ट टू थाउजेंड एट सिक्सटी चार्ज चार्ज मतलब अगेन माइनस बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक पैंतीस और 2860 सौ साठ माइनस हो गए बट मैंने एंट्री नहीं किया तो मैं भी क्या कर दूंगा माइनस एज पर कैश बुक माइनस इकतीस सौ माइनस पैतीस और माइनस टू एट सिक्स जीरो चेक डिपॉजिट इन अनदर अकाउंट ऑफ फिफ्टीन फिफ्टी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट देखो बैंक ने मेरे को क्रेडिट कर दिया गलती से क्रेडिट कर दिया मतलब मेरा बैलेंस बढ़ा दिया बैंक ने मेरे को गलती से बढ़ा दिया तो मैं भी क्या करूंगा प्लस अपने आपको ही पंद्रह सो पचास से लेट सी पंद्रह सो पचास प्लस डन है अ चेक ऑफ एक एट हंड्रेड ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू अनदर अकाउंट अ ड्रॉन मतलब आपने इश्यू किया आपने चेक इश्यू किया आठ सौ रुपए का बट वो चेक का अमाउंट माइनस दूसरे अकाउंट से हो गया क्या आपने माना था इस अकाउंट से आठ सौ रुपए माइनस होंगे लेकिन कोई और अकाउंट से माइनस हो गया आठ सौ तो सही कौन हमेशा बैंक आठ सौ प्लस आठ सौ प्लस बैंक इतने अच्छे करता ना डेबिट ऑफ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड अपियरिंग द बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक का पासबुक में आपका डेबिट है तो ये आपका माइनस हो गया फॉर अनपेड चेक रिटर्न आउट ऑफ डेट है यहां पर सब एव यू एन जस्ट कॉन्सेंट्रेट टू देंसर तीन हजार पांच सौ बट ऑबियस माइनस होगा डेबिट मतलब माइनस होता है इसका मतलब क्या होता है रिटर्न आउट ऑफ डेट आपका सपोज चेक था लेट्स टेक इक पच्चीस मार्च का चेक था कब का चेक था पच्चीस मार्च का पच्चीस मार्च से अगर आपने वो डेट ऑफ एक्सपायरी था पच्चीस मार्च से आगे अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आउट ऑफ डेट चेक हो गया ठीक है तो जब भी चेक आउट ऑफ डेट होता है आपने माना पैसा आ गया बट रियलिटी में पैसा आया क्या नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस नेक्स्ट बैंक अलाउड इंटरेस्ट अलाउड इंटरेस्ट मतलब मुझे इंटरेस्ट मिला है हजार रुपए का प्लस हो जाएगा अ कस्टमर रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ फोर परसेंट मैंने कस्टमर को कैश डिस्काउंट दिया था फोर परसेंट का उसका अमाउंट था एक लाख एक लाख में से चार परसेंट कम दैट इज नाइंटी सिक्स थाउजेंड ओके सर पेड अ चेक ऑन ट्वेंटी एथ मार्च द कैशियर ग्रॉस अमाउंट इनटू टू बैंक कॉलम सुनो बेटा एक आपका कस्टमर है जिससे आपको लेने थे एक लाख रुपए वो बीस मार्च को आपके पास आया उसने बोला भैया देखो एक लाख रुपए नहीं दूंगा तुरंत पेमेंट चाहिए तो चार टका डिस्काउंट दो मैंने बोला चल ठीक है चार टका डिस्काउंट दे, दे दे दिया देखो उसने को का चेक दे दिया मैंने वो चेक को डिपोजिट किया तो मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया 96,000 से बट हुआ क्या मेरा जो अकाउंटेंट था उसको पता ही नहीं कि ये डिस्काउंट मैंने दिया है मेरा जो अकाउंटेंट है उसने कैश बुक में कितना प्लस कर दिया एक लाख गलती किसकी है मेरा अकाउंटेंट की तो चार हजार क्या करने पड़ेंगे मुझे माइनस चार हजार माइनस अब वापस वंस अगेन आपका माइनस साइड ज्यादा है तो ओवरड्राफ्ट एस पर कैश बुक होप सो आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझे एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है पहला बिल डिस्काउंट करवा लिया फिर डिसऑनर होगा तो बिल का ग्रॉस अमाउंट दूसरा जो क्वेश्चन नंबर वन में वन जीरो एट जीरो रुपीज का था दूसरा वो ये दो एडजस्टमेंट ऐसे है जो आपको घुमा सकते हैं लाइफ में वन जीरो एट जीरो वाला तो आपको अंड सन घुमा सकता है ठीक है मुन्ना तो ध्यान से कभी भी अगर आप बी आर एस करो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और समझना पासबुक में क्या हुआ है ठीक है दैट्स ऑल फॉर द यू बाय टेक केयर दिस इज राव साइनिंग ऑफ